रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मेरे पास कोई नहीं आएगा। उनके घर में ही कुछ हुआ है? आपकी बेटी मर चुकी है। कैसी बातें कर रही है गी? ऐसे नहीं बोलते। मैं माँ हूं तेरी, माँ। तू अभी मेरे साथ दारजी के पास चलेगी, उनसे माफी मांगेगी और कहेगी कि तू ये बच्चा गिराएगी। मेरी बातें नहीं सही जा रही है ना आपसे माँ? तलवारों की वार सहन कर कर आ रही हूं मैं। वो भी अपनों से नहीं। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। सच्चाई सबके सामने आने दो। उत्तर अंदर चल के बात करते हैं। उत्तर, जब ब्रजवीर जी को मेरे खून करने की इजाजत दे रहे थे, तब आपको याद नहीं आया कि मैं आपकी पुत्र हूं? आपने मुझे पुत्र कहने का हक उसी दिन खो दिया था दार्जी। गीत, तेरे जो भी गिले शिकवे अंदर जाके सुने। क्यों, यहाँ सबके सामने मेरी बात सुनने में आपको शर्म आ रही है? ये डर लग रहा है कि कहीं सच सबके सामने ना आ जाए। एक भाई ने अपनी बहन को जान से मार डालने की कोशिश की और आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तूने सुना नहीं दारजी ने क्या कहा? चुपचाप अंदर चल, नहीं तो जिंदा काट दोगे या गला काट दोगे या फिर मुझे जान से मार डालेंगे जैसे कल रात आप कोशिश कर रहे थे। क्या जमाना आ गया है, भाई बहन को मारने जा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ब्रिज उसे मारना चाहता था? ये आप ही की तलवार है। रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर वार करने में क्या दिलेरी है वीर जी? मारना है तो आप मारिए सबके सामने, दिखाइए आपकी बहादुरी। बकवास मत करो ए। अभी तो हद पार कर रही है अपनी। हद मैं पार कर रही? आप लोगों ने मुझे जान से मार डालने की कोशिश की, मैं तब भी चुप रही। गलतियां करे आप लोग पर सजा मुझे मिले? मेरे लिए लड़का चुना आपने, मेरी शादी हुई आपकी मर्जी से। गीत की शादी हुई थी, ये कब हुआ? इसका तो हमें पता भी नहीं चला। मैंने तो कहा भी था मैं शादी के लिए तैयार नहीं। आप लोगों ने मुझसे हाँ करवाई, मुझसे कहा कनाडा का लड़का है, इससे अच्छा रिश्ता कभी नहीं मिलेगा। कनाडा का लड़का है? 3 दिन में शादी करवाने की जिद की। मैंने आपकी हाँ से हाँ मिलाई कि आप लोगों की बात मानकर शादी करना गलत था। क्या शादी के बाद अपने पति के साथ सुहागरात मनाना गलत था?
अगर वो मुझे शादी के एक दिन बाद छोड़ के चले गए तो उसमें मेरी क्या गलती थी बताइए मुझे दार जी, मेरी क्या गलती थी। नहीं, आज नहीं, आज गीत हांडा की कहानी सब सुनेंगे। मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, आप लोगों ने फरमान दिया कि मैं उसे भूल जाऊं। समझो कि मेरी कभी शादी ही नहीं हुई। और जब आपको पता चला मैं मां बनने वाली हूं तो मुझे मौत की सजा दी थी। और उनके गुंडे को भेजा मुझे मारने के लिए। बताइए इसमें मेरी या मेरे बच्चे की क्या गलती है, बताइए मुझे दादी, क्या थी मेरी गलती। अगर सच में ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है दारजी। गीत ने जो कहा वो सच है। ये सच कह रही है जी। मैंने देखा था सिर्फ दुल्हन के लिबास में और साथ में इसका पति भी था। हाँ, ये मिली थी मुझे। हाय, एक लफ्ज भी और कहा अब मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। तक लोगों को चुप करवाएंगे, कब तक लोगों से सच छिपाते रहेंगे। कम से कम अब तो सब स्वीकार कर लो, अब तो मान लो कि गीत की शादी हम लोगों ने बिना छानबीन के की थी और हमने उसके लिए गलत रिश्ता चुना था और अपनी गलतियों की सजा उस बेचारी के सर पे मर गई थी। अब मान लो दार्जी, कम से कम